आप है स्वाद बनारसी के साथ और आप देख रहे हैं श्री संकट मोचन डिजिटल संगीत समारोह 2020 के पांचवी निशा की प्रस्तुति। आयोजन की शुरुआत हो उससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जानिए ठेरों बातें जिसे आपको जानना चाहिए। श्री संकट मोचन डिजिटल संगीत समारोह की पांचवी निशा का शुभारंभ कथक नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से हुआ। भोपाल से रायपुर घराने की प्रतिनिधि कलाकार सुश्री वी अनुराधा सिंह जुड़ी। उन्होंने घराने की पारंपरिक रचनाओं की प्रस्तुति दी। आए कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में मुंबई से तबला वादन की प्रस्तुति हेतु सुश्री अनुराधा पाल जुड़ी, जिन्होंने बनारस और पंजाब घराने के परंपरागत रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति हेतु चेन्नई से जुड़ी विख्यात कर्नाटक शैली की गायिका विदुषी बॉम्बे जयश्री रामनाथ। बॉम्बे जयश्री के साथ उनके सुपुत्र श्री अमृत रामनाथ ने भी हनुमत दरबार में स्वरांजलि अर्पित की। चौथी प्रस्तुति सरस्वती वीणा वादन की रही। बेंगलुरु से विख्यात साधिका विदुषी जयंती कुमरेश ने अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने राग हंस आनंद की अवतारणा की। एक समृद्ध परंपरा की ध्वज वाहिका सुश्री जयंती एक समृद्ध साधिका भी है। उनके बजायगी में सुकून और चैनदारी साफ आत्मसात की जा सकती थी। पांचवी सोपान बेंगलुरु से विख्यात कुचिपुड़ी नृत्य विधा की साधिका सुश्री श्रीविद्या अंगारा सिन्हा रही। उन्होंने कर्नाटक शैली के गायन पर कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति की। अपने भाव से प्रभावशाली प्रस्तुति के अंतिम चरण में उन्होंने शिव आराधना चंद्रशेखर शिवम भजे की प्रस्तुति दी। छठी प्रस्तुति किराना घराने के वरिष्ठ प्रतिनिधि कलाकार पंडित अजय पोहनकर स्वरांजलि की अभ्यर्थना हेतु मुंबई से जुड़े, उनको संवादिनी पर सहयोग प्रदान किया उनके चिरंजीव श्री अभिजीत पोहनकर ने। उन्होंने पूरब अंग की प्रचलित ठुमरी सांची कहो मोसे बतिया गाकर अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। बने रहिए हमारे साथ और जानिए उन जरूरी जानकारियों के संदर्भ में जिसे आपको जानना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी साथ, तब तक आप अपना और अपने परिचितों का खूब ख्याल रखिए। एक निवेदन, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब करिए ताकि आप भी रहे अपडेट।